आज हम लोग बात करेंगे 2019 में आप लोगों को ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप लोगों को कैसे ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए 2019 में। एंड ये वीडियोस उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग पहले ब्लॉगिंग कर चुके हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग अभी स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं, अभी नए हैं, अभी ब्लॉगिंग में एंटर करना चाह रहे हैं। तो क्या बेस्ट मेथड रहेगा 2019 में ब्लॉगिंग को करने के लिए? सो पहले क्या था, पहले ना आप लोग को जो ट्रेडिशनल मेथड जो होते थे हमारे पास कि वर्डप्रेस या ब्लॉगर पे आप लोग एक ब्लॉग सेटअप करो, उसमें होस्टिंग लो, उसमें डोमेन लो, उसमें एसईओ करो, उसमें पॉलिसीज को फॉलो करो, सो दैट वाज टू मच वर्क। अगर मुझसे कोई 2015 में पूछता कि ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए देन दैट वाज द वे आई शुड हैव रिकमेंडेड। लेकिन उसके बाद एट प्रेजेंट आई वोंट रिकमेंड कि आप लोग ऐसे स्टार्ट करें अपनी ब्लॉगिंग जर्नी को। बट इन 2019 यू शुड बी स्मार्ट कि स्मार्ट तरीके से आप लोगों को ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए। सो कैसे करें? देखो, पहला आप लोगों को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ब्लॉगिंग से कि पहले आप लोग दो चीज क्लियर कर लो कि फर्स्ट दैट यू हैव एक्चुअली इंटरेस्ट इन राइटिंग ब्लॉग्स। आप लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए ब्लॉग राइटिंग में, आप लोगों को मजा आना चाहिए ब्लॉग्स लिखने में। सेकंड, आप लोगों को ये फिगर आउट करना है कि जो आप लिख रहे हो वो एक्चुअल में हेल्पफुल है कि नहीं है एंड इफ पीपल आर गोइंग टू लव दिस और नॉट। सो ये चीज़ कैसे फिगर आउट करें? आप लोग इसके लिए मॉडर्न प्लेटफॉर्म जो अभी आ गए हैं आप लोग उसका यूज करके ये चीज़ फिगर आउट कर सकते हैं, जैसे कोरा हो गया, मीडियम हो गया। आप लोग कोरा पे आंसर्स कर सकते हैं, जो भी लोगों के क्वेश्चन है जो आपके नीश से रिलेटेड है आप लोग उसका आंसर कर सकते हैं। आप लोग मीडियम पे, अगर आप लोग प्रोफेशनल आर्टिकल्स लिखते हैं तो आप लोग मीडियम पे अपने आर्टिकल्स लिख सकते हैं। अगर आप लोग टेक रिव्यूज में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पर जाके वहाँ पर रिव्यूज डाल सकते हैं। अगर आप लोग ट्रैवल ब्लॉगर हैं या फिर अपने फूड ब्लॉगर हैं तो आप लोग इंस्टाग्राम का यूज करके एक फोटो के नीचे अपना कैप्शन बड़ा सा एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लिख सकते हैं। तो इस टाइप से आप लोगों को मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स का यूज करना रहेगा एंड इससे आप लोगों को दो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पहले, आप लोगों को एक्चुअल में इंटरेस्ट है कि नहीं है लिखने में एंड सेकंड, आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि इफ़ पीपल आर एंजॉयिंग योर कंटेंट और नॉट, उनको आपका कंटेंट अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो आप लोगों को रिस्पॉन्स से पता चल जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि इसके लिए आप लोगों को कुछ भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन स्टार्ट इट ईजिली। आप लोगों को ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को बस स्टार्ट कर देना है इसे और इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा टाइम भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो अभी आप लोग कर रहे हो वो करते रहो, ब्लॉगिंग को एज अ पार्ट टाइम शुरू करो, वहाँ से टेस्ट करो पहले। जो भी चीज़ अभी आप लोग मेन स्ट्रीम में कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या फिर कोई भी अर्निंग कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वो करते रहो। एंड सेकेंडली, ऑन द साइड हसल इसको स्टार्ट करो, रात को 1-2 घंटे ये चीज़ें ट्राई करो, ठीक है? लिखो, रिव्यूज़ लिखो, कोरा पे आंसर्स करो, मीडियम पे आर्टिकल्स लिखो। तो ये चीज़ आप लोग इजीली कर सकते हो विदाउट इन्वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम एंड लेटर आप इस चीज़ को मोनेटाइज भी कर सकते हो। कोरा का पार्टनर प्रोग्राम है, मीडियम का पार्टनर प्रोग्राम है, अमेजोन पे आप एज अ इन्फ्लुएंसर वर्क कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी आप एज अ इन्फ्लुएंसर वर्क कर सकते हो। तो आप इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को मोनेटाइज भी कर सकते हो लेटर ऑन। एंड अगर आप लोग ट्रेडिशनल ब्लॉग में जाना चाहो तो वो भी आप लोगों के लिए एक ऑप्शन तब खुल जाएगा कि अब आप लोगों ने हार्ड वर्क देखो पहले से ही कर लिया है, अब आप लोगों को पता है कि ऑडियंस को कैसे एंगेज करना है, आप लोगों को पता है अच्छे राइटिंग स्किल्स क्या है, आप लोगों के माइंड में क्लियर हो गया कि मुझे ब्लॉगिंग ही करना है। तो ये चीज़ अब आप लोगों के लिए क्लियर हो गई है एंड नाउ यू कैन स्टार्ट विद द ट्रेडिशनल ब्लॉग। तो आप लोगों के सक्सेस के चांसेस और बढ़ जाएंगे उसमें। सो बॉटम लाइन इज यूज मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स टू स्टार्ट ब्लॉगिंग एंड डोंट लीव एनीथिंग फॉर दैट, मींस जो कर रहे हो वो करते रहो और ब्लॉगिंग को एज अ साइड हसल स्टार्ट करो। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।